गोवर्धन में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। चोरों ने एक बार फिर परसों गांव के दो घरों में धावा बोलते हुए लाखों रुपए की नकदी व जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। गोवर्धन थाना क्षेत्र स्थित परसों गांव में चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि बीते रविवार चोरों ने राधेश्याम और महेश नामक ग्रामीणों के घरों को अपना निशाना बनाया था। इस घटना को 8 दिन पूरे नहीं हो पाए थे कि चोरों ने बीती रात एक बार फिर गांव के दो मकानों को अपना निशाना बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। इसकी सूचना गृह स्वामी लक्ष्मण द्वारा पुलिस को दी गई। चोर लक्ष्मण के घर से करीब 1.5 लाख रुपए नकदी और 10 तोला सोना व 5 किलो चांदी और कीमती सामान पर हाथ साफ कर गए। लक्ष्मण ने ये भी बताया कि वह पास में बने एक कमरे में सो रहा था, तभी चोरों द्वारा कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद कर इस घटना को अंजाम दिया गया है। करीब 15 लाख के आसपास। कितने की नकदी थी? 1 लाख से ऊपर ही होंगे। और बाकी सामान? बाकी सामान है सब करीब सोने हुए। तो आप लोग कहाँ थे उस समय? मैं इस समय तो आपने सूचना आप पुलिस को दी, तो मौके पर पुलिस आ चुकी है? पुलिस तो आ गई है। वहीं दूसरी चोरी की घटना अमरनाथ जाटव के घर में हुई, जहां चोरों ने करीब 1.5 लाख रुपए का माल पार कर दिया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना जिला पंचायत सदस्य महादेव शर्मा को दी। सूचना पर पहुंचे महादेव शर्मा ने घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि पुलिस के साथ मिलकर वह इन घटनाओं का शीघ्र से शीघ्र खुलासा करवाएंगे। वहीं महादेव शर्मा ने ग्रामीणों से निवेदन किया कि वह भी पुलिस का सहयोग करें, जिससे कि इन घटनाओं का खुलासा हो सके। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जाँच में जुट गई। क्या क्या सामान गया? रुपया है सब, वैसे तो तोरिया के दो पावन के बर्तन के तोरिया हो, एक कोंदनी या बिल्ला या नार की या कान बाके ये टोटोली और या बच्चा के भी। कितना बता रहे हैं आप? को क्या अंदाज लगा मैंने बताओ? तो कितना सोना होगा टोटल? 1.5 तोला का लगभग। और चांदी? चांदी आधे किलो ज्यादा ज्यादा, इनके बालकन की चीज ही झूठ बोले हम। कोंदनी पावन की 100 रुपये। आपने इसकी सूचना थाने को दिया? थाने को बया लिए सर।